हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता, मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 92 के एक प्रोजेक्ट में। पहले इस प्रोजेक्ट को सारे होम्स कहते थे, बीच में इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, उसके बाद से इस प्रोजेक्ट को दो लोगों ने टेक ओवर किया एनसीएलटी से। एक आप नाम देख सकते हैं, एक का लाइफ और दूसरे हैं धूप। ये दोनों अगर किसी प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके सामने किस तरीके से दिखता है अब आप मेरे आसपास देख सकते हैं। मेंटेनेंस होने लग गई है, प्रोजेक्ट्स लोगों को हैंडओवर होने लग गए हैं, फेजेस पे फेजेस बन रहे हैं, अनाउंस हो रहे हैं और सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया है? पहले सारे होम्स था, अब है राइजिंग होम्स डीएक्सपी 92। जी हाँ, तो ये वो प्रोजेक्ट है और आप पूरी वीडियो में इस प्रोजेक्ट के हर एक पहलू को जानेंगे और इसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना होगा और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में किस तरीके से आगे के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी आप देखेंगे। अब जान लेते हैं एका लाइफ और धूत के बारे में। एका लाइफ 2022 से इस फील्ड में है। इनके जो ओनर हैं वो अडानी के सीईओ हुआ करते थे और जो धूत हैं ये कोलकाता बेस्ड हैं और इन्हें कौन नहीं जानता। गुड़गांव में इन्होंने बहुत सी चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडओवर किया है, लोग वहां पर रह रहे हैं। ये 1971 से इस फील्ड में हैं। इनका मल्टीपल वेंचर है, हॉस्पिटैलिटी में भी हैं, रियल एस्टेट में भी हैं। तो इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर एनसीएलटी से सारे होम्स को लिया और अब इसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर ये अब हाई राइजेस जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि लो राइज सबसे पहले आए थे जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग रहने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से इस सेक्टर में बसावट आ चुकी है और फेज 1, 2, 3 ये सारे पहले ही हैंडओवर हो गए थे। उसके बाद से इन्होंने फेज 4, फेज 5 ये अब लॉन्च किया है, जिसमें 3 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट है। 4 BHK की यूनिट है, इसको इन्होंने नाम दिया है P1 से P6 टावर में। इसमें बहुत से स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले जो इसका रेट है, क्योंकि गुड़गांव में जैसे आप जानते ही हैं कि अगर 4 BHK लॉन्च हो रहा है तो 5 CR 4 CR एनी हाउ वो टच करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 BHK की जो सबसे छोटी यूनिट है, अभी मैं आपको उसका सैंपल अपार्टमेंट ही दिखाऊंगी, 2040 स्क्वायर फिट का, वो आपको मिल जाएगा 2,21,00,000 में। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको वो 4 BHK मिल जाएगा, वो भी रेडी टू मूव इन। चलिए, अगर आपको डर लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट हम ले भी ले रहे हैं और वहाँ पर 4 से 5 साल में वो हमारे हाथ में आएगी या नहीं आएगी, जिस तरीके से अब चीज़ें हो रही हैं, बिल्डर दाम पे दाम बढ़ा रहे हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार ये इतने दाम बढ़ा ले रहे हैं कहीं ये प्रोजेक्ट फंस तो नहीं जाएगा। तो अब रही बात प्रोजेक्ट फंसने की, अगर आपको कहीं भी डर है तो आप रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में जाइए, ये वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट आपके लिए है। जी हाँ, उसी अप्लाई इन्होंने कर दी है, दिसंबर तक आपके हाथ में चीज़ें आने लग जाएंगी। प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ता है, अगर हम बात करते हैं एरिया के अकॉर्डिंग भी, सेक्टर 92 आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर है। 657 एकड़ का ये पूरा सेक्टर है, ऑलरेडी ये पूरी तरीके से यहाँ पर बसावट आ चुकी है। आपको सारी सोशल एमिनिटीज़ मिल जाएंगी, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल मिल जाएंगे और अगर बहुत बड़े नाम के हॉस्पिटल्स आप देखना चाहते हैं मेदांता, तो हार्डली 30 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। स्कूल्स की यहाँ पे भरमार है, वो सारे स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि न्यू गुड़गांव बेल्ट बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ इफ एंड बट हर सेक्टर में होते हैं, तो चलिए नेगेटिव पॉइंट भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे सिविक एमिनिटीज़ थोड़ी मोड़ी आपको प्रॉब्लम लगेगी और ये पूरे गुड़गांव की प्रॉब्लम है, न कि सिर्फ इस एक सेक्टर की। इसके बाद से अगर आपको कहीं आना जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अभी इस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ फिर से इस एक सेक्टर में नहीं, पूरे गुड़गांव की प्रॉब्लम है। हाँ, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपके पास ओला और उबर तुरंत पहुँच जाएंगे, आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि ऑनलाइन ऐप के तो अब जवाने आ चुके हैं। आपको खाना भी खाना है तो आप जोमेटो करते हो, आपको घर का ग्रोसरी का सामान मंगाना है तो आप ब्लिंकिट करते हो, तो आने जाने के लिए ओला और उबेर भी कर सकते हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक और ऑटोज, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपके पास खुद की भी गाड़ी होगी, चाहे वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो, ऑलरेडी अब सब रखने लग गए हैं। और फिर अब एक और चीज़, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है तो आप सेफ हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है अभी होनी नहीं है, आने वाले जो फेजेस में है ये करेंगे, लेकिन अभी जो ये प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है। बसावट हर तरफ से आ चुकी है,
अब ये पुराने जो बिल्डर था उसके हाथ में ये प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को वापस से किसी को देता है तो उसके बैंक बैलेंस को चेक करके ही देता है, और कोई भी डेवलपर अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट लेता है तो वो ये सोच कर ही लेता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट लोगों को हैंड ओवर करने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ के लोगों से भी पूछी, उन लोगों ने कैमरे में आने से मना कर दिया, जैसे कि यहाँ पर रहने की क्या प्रॉब्लम थी। तो पहले जो लो राइज फ्लोर्स थे, क्योंकि पहले तो कोई बिल्डर था ही नहीं, उनके अपने RWA बने हुए हैं, उस तरीके से लो राइज फ्लोर जो है वो मेंटेन हो रहा है, मतलब जो उनका पर्सनल RWA है वो मेंटेन कर रहा है। अब ये जो हाई राइज होंगे इसको ये मेंटेन करेंगे अपने थर्ड पार्टी के साथ, जो भी ये साइन करेंगे वो पूरी इस सोसाइटी को मेंटेन करेगा। सोसाइटी आपको 48 एकड़ की मिल रही है, मतलब बहुत बड़ी सोसाइटी है। सेंट्रल ग्रीन जो है वो 4.5 एकड़ का मिल रहा है, और जिस 4 BHK की मैं बात कर रही हूँ उसमें एक इन्होंने यूनिक फीचर दे रखा है, रूफ, पूरा रूफ टॉप पे इन्होंने स्काई वॉक दे रखा है, जहाँ पर जिम्नेजियम होगा, कॉफ़ी बार होंगे, और इन्होंने ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी दे रखा है। उसके बाद से आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट मिल रहा है, आपको क्रिकेट का नेट जो है प्रैक्टिस पिच वो मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें जैसे सब लोग देते हैं वो देंगे। एक सेपरेट ये क्लब देंगे 35 स्क्वायर फिट का। लो राइज जो अपार्टमेंट पहले डिलीवर था उनके पास अपना खुद का क्लब है, और ये एक स्पेशल क्लब बना कर दे रहे हैं। और फिर आप, मैं जहाँ खड़ी हूँ आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे एक कमर्शियल आएगा, तो यहाँ के लोगों के लिए कमर्शियल है, ऑलरेडी जो लो राइज पहले से डेवलप थे वहाँ पर भी उनका अपना खुद का कमर्शियल है। फिर इस प्रोजेक्ट की दो और खासियत है, एक 60 मीटर रोड है और इसके बैक साइड में 24 मीटर रोड है, तो इस तरीके से दो मेजर रोड के साथ ये कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सैंपल अपार्टमेंट आप देखिए, पेमेंट प्लान आप देखिए, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी कि इनके पास जो 3 BHK थे वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए, 4 BHK की जो है वो 3 टाइपोलॉजी हैं, उनके क्या साइजेस हैं, उनके क्या प्राइजेस हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब मैं आपको ले चलती हूँ इनका सैंपल अपार्टमेंट दिखाने के लिए, तो आप मेरे साथ चलिए। अब इनकी वो लॉबी है जिस लॉबी से आप पूरी ये चीज़ें देखते हैं, जब ये प्रॉपर हैंडओवर होगा तो आपको इसी तरीके से लॉबी दिखेगी। फिलहाल ये इनका सेल्स गैलरी है, तो इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कर रखा है। आप आओगे तो आपको यहाँ पर ही सबसे पहले जो है वो ग्रीट किया जाएगा, आपका वेलकम किया जाएगा, सो आप वो चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको इनके सैंपल अपार्टमेंट में ले चलती हूँ। अब मैं आपको लेकर आई हूँ 4 BHK के सैंपल अपार्टमेंट को दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3, 2 और 4 मिलेगा। 4 BHK की 3 साइजेस हैं। पहला जो सबसे छोटा साइज है वो 2040 स्क्वायर फिट का है, उसके बाद का जो आपको सेकंड साइज मिलेगा वो 2093 स्क्वायर फिट का, और सबसे बड़ा जो 4 BHK का साइज है वो है 2226 स्क्वायर फिट। तो ये 3 साइजेस हैं। चलिए मैं आपको सबसे छोटा साइज पहले दिखाती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से 4 BHK दिखने वाला है। 2040 स्क्वायर फिट का ये 4 BHK आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से स्पेसियस ये पूरा है। जस्ट इसके बगल में ही आपको किचन दिखेगा। यहाँ पे एज इट इज आपको जो चीजें दिख रही हैं वो आपको देंगे। हाँ, साथ में आपको ये फैन नहीं दे रहे हैं, बट जितनी भी चीजें हैं वो आपको सेम मिलेंगी। ये आपका पूरा किचन का एरिया होगा, ये आप देख सकते हैं। अब आपको सबसे बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ, ये देखिए 4 BHK के साथ को जो बालकनी का एरिया मिलने वाला है, ये सिर्फ स्पेसिफिक यूनिट के साथ ही है, जिसमें आपको इस तरीके से एक रूफ जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे आप अच्छी अच्छी धूप ले सकते हैं ठंड में, क्योंकि ठंड तो आ ही गई है जैसे आप लोग जान रहे हैं। इतना बड़ा है, इतनी आपको लग रहा होगा इसका कारपेट एरिया अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, और बालकनी एरिया भी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया। अब चलिए मैं आपको 4 BHK के रूम्स दिखाती हूँ। ये आपको जो 2 रूम मिल रहे हैं ये आमने सामने हैं, तो एक रूम में मैं आ जाती हूँ। ये आप रूम देखिए, और इसके साथ ही आपको क्लोजेट का एरिया दिया गया है वॉशरूम के साथ साथ, तो आप अपना स्पेस ही इस पूरे अपार्टमेंट में देख सकते हो कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। यहाँ से ही आपको बालकनी के लिए भी रास्ता मिल रहा है। सो ये कनेक्टिंग बालकनी थी जो मैंने अभी आपको पहले लिविंग और डाइनिंग से दिखाया था, तो सेम बालकनी ही है, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
आप जैसे इस रूम से निकलेंगे सामने आपको दूसरा रूम मिल जाएगा। आप यहाँ अपने बच्चों को अच्छे से सुला सकते हैं और उस रूम से आप इनको देख भी सकते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है आप इसे किड्स रूम बना सकते हैं। इनके पास साथ भी आपको वॉशरूम मिल रहा है और यहाँ बालकनी नहीं है क्योंकि बच्चे शैतानी कर सकते हैं, इस वजह से विंडो दे रखी है। दादा दादी का कमरा भी तो देखना बहुत जरूरी है, तो आइए दादा दादी का भी रूम देख लेते हैं। ये दो रूम है आमने सामने, कोई भी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा रूम दादा दादी को देना है। तो एक तो ये रूम है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है और साथ में ही आपको बालकनी भी मिलेगी। ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं ये इन दोनों रूम के साथ कॉमन वॉशरूम है, तो इसके साथ ही आपको ये दूसरा रूम भी मिल जाएगा और यहाँ भी आपको बालकनी मिलने वाली है। तो ये वो रूम है जहाँ पर आप अपने गेस्ट को भी रख सकते हैं और ये वो रूम है जहाँ आप दादा दादी को रख सकते हैं। एक आपने अपना खुद का रूम देख लिया, दूसरा आपने अपने बच्चों का रूम देख लिया, साथ में आपने किचन देख लिया और ये लिविंग और डाइनिंग का पूरा एरिया देख लिया। तो ये सबसे छोटा 4 BHK का साइज है जो 2040 square feet का है। तो ये ऑप्शन आपके पास इस बढ़ती हुई महंगाई में शायद सबसे अच्छा होने वाला है। लेंगे आप तब जब आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको लेकर आएंगे और इस पूरे खूबसूरत अपार्टमेंट का आपको एक टूर भी कराएंगे। उसके बाद से आप खुद देख रहे होंगे कि हर तरफ बसावट आ चुकी है और उसके बाद से इस पर्टिकुलर इस सोसाइटी में आपको लोग दिखेंगे। मतलब ऐसी घोष सोसाइटी नहीं है, आपको यहाँ लोग दिखेंगे। 48 acres की ये पूरी सोसाइटी है जिसमें 4 to 5 acres का सेंट्रल ग्रीन एरिया है। और तो और अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो लगभग 50 to 51 जो यूनिट है पर एकड़ में आ रहा है। तो ये भी सोचिए, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हम इसे कह सकते हैं। और ये ऑप्शन आपके लिए, अगर आपको लगता है कि इतनी महंगाई हो गई है तो 4 BHK की जो सबसे छोटी यूनिट है जिसका सैंपल अपार्टमेंट आप देख रहे हैं तो वो लगभग आपको 2 crore 21 lakh के आसपास पड़ेगी। तो 4 BHK अभी इस रेट में शायद गुड़गांव में नहीं मिल रहा है और इतना बड़ा एरिया अगर आप कवर करते हो तो आपके लिए शायद ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अब मैंने आपको पूरा सैंपल फ्लैट दिखा दिया है, ये जो पूरी सोसाइटी है ये दिखा दिया है। आपको मेरे पीछे दिख भी रहा होगा कि एका लाइफ और धूप का इन्होंने हर जगह लोगो लगा दिया है क्योंकि जिससे आपको भी याद रहे कि अब ये सारे होम नहीं रह गया है, ये राइजिंग होम्स हो गया है। सो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ भी लगता है कि और आपके बजट में ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और सोसाइटीज हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।